सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमेशा आते हैं उनको थैंक यू सो मच चैनल पर वापस आने के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिंग और वांगजी की तुरंत शादी करने का मैडम यू ने डिसीजन लिया था। अब आगे जैसा मैडम यू ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आज इस मतलब जियांग मेंशन के हॉल को थोड़ा बहुत डेकोरेट किया गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जैसे बड़े बड़े से बुके दोनों सोफे के दोनों साइड पे रख दिए गए हैं। सेंटर टेबल पे एक बहुत बड़ा बुके रख दिया गया है। थोड़ा बहुत पीछे एक फ्लावर की वॉल लगा दी गई है, जिसमें थोड़ा सा तो ये लुक आए कि जैसे कि शादी का माहौल हो। वैसे तो मैडम यू का बहुत मन था अपनी विंग की शादी के लिए बहुत कुछ करने के लिए। यान यानली की शादी भी चाइना के वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग में से एक थी, बहुत शानो शौकत से हुई थी। और वांगजी तो मतलब विंग तो डेस्टिनी वेडिंग करना चाहता था, उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल भी वैसे नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसको भी पता है, जैसे उसे यानली के सामने एक्सेप्ट किया कि सिचुएशन बदल चुकी है। विंग बहुत अच्छे से वाइट कलर के एक वाइट टक्सीडो में बहुत अच्छे से रेडी होके आता है, जिसकी पॉकेट में स्क्वायर रेड रंग का है, और विंग ने बहुत हल्का सा मेकअप करा हुआ है। विंग के फेस पे ये मेकअप बहुत सूट कर रहा है। विंग बहुत कम मेकअप करता था, लेकिन वो जब भी करता है तो ना चाहते हुए लोग उसके ऊपर से नज़र हटानी चाहते हैं। वहीं वांगजी ने भी वाइट कलर का टक्सीडो पहना हुआ है और उसका पॉकेट स्क्वायर ब्लू कलर का है। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टू सेम कपड़े पहने हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को देख के जैसे शॉक हो गए। वांगजी कब से लेकर अब तक इन्हें कैजुअल शर्ट कैजुअल जीन्स इन्हें ही देखा था। आज वांगजी फुल टक्सीडो में जब इस रूम में एंटर कर रहे हैं तो विंग भी एक मिनट के लिए अपनी नज़रें वांगजी से हटानी पड़ता। वांगजी सचमुच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो अब तक जितने भी अल्फा से विंग मिला है और सबसे ज़्यादा हैंडसम है। विंग को मन में ये तो खुशी है कि उसका अल्फा सचमुच में बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यही कारण है कि विंग शायद इस शादी को एकदम से मना नहीं कर पाया। वांगजी की इस हैंडसमनेस का भी एक रीज़न हो सकता है, विंग को ये लग रहा है। विंग और वांगजी उस सोफे पे बैठ जाते हैं। सामने वो लॉयर और कुछ और लीगल टीम के लोग बैठ जाते हैं। एक एक करके सारे जो भी एक होता है ना प्रोसेस होता है उसे फॉलो किया जाता है। लास्ट में ये दोनों उस वेडिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर कर देते हैं और लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड एक बन गए हैं। इसके बाद इन दोनों को तुरंत इनके वेडिंग इन कार्ड्स या एक तरह से कह सकते हैं चाइना में एक वेडिंग जैसे हम लोगों के पासपोर्ट होता है, उनका वेडिंग कार्ड्स होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, जिससे वो लोग प्रूफ कर सकें कि वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। जब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में इन दोनों इस आइडेंटिटी का काफ़ी यूज़ होता है, उन दोनों को वो आइडेंटिटी कार्ड्स भी मिल जाते हैं। वांगजी और विंग उसके साथ अपनी एक पिक भी क्लिक करवाते हैं, जो काम उनका काफ़ी दिनों का काफ़ी लंबे प्रोसेस से होने वाला था, मैडम यू की पहुंच के कारण वो तुरंत तुरंत हो जाता है। विद इन 2 आवर्स में पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। मैडम यू और भी अपने बच्चों के साथ कुछ पिक्स खिंचवाती हैं, पूरी फैमिली एक फोटो मतलब एक दूसरे के इन लोगों के साथ पिक्स क्लिक करती है। और उसके बाद जैसा मैडम यू ने सोचा था, इन दोनों को इन्हीं कपड़ों में लेकर मैडम यू डायरेक्ट उस एक तरीके से जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पहुँच जाती हैं। पूरे के पूरे चाइना के मीडिया हाउसेस यहाँ अवेलेबल हैं, हर कोई, क्यों? जियांग्स कॉर्पोरेशन ने इतना बड़ा एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, उसका जवाब जानना चाहते हैं। जैसा कि मैम यू ने बोला था वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टर्स और सारे कंपनी के इम्पोर्टेंट लोग भी आ चुके हैं। मैडम यू अब पोडियम पे आती हैं, एक ही करके जो मीडिया से लोग आए थे वो उनके ऊपर क्वेश्चंस के बछार कर देते हैं कि वो इतनी बड़े हाई पोजीशन पे होने के बाद भी उनके बच्चे के इस टाइप की वीडियोस लीक हो गई, आप क्या कहेंगे? मैडम यू पहले सबको बताती हैं कि वो कल्प्रेट को पकड़वा चुके हैं, कल्प्रेट अब जेल के पीछे हैं। ये उनके बच्चे के साथ हो क्या किसी भी पर्सन के साथ अब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इसका पीछे मेन कल्प्रेट था आज वो उसके वो पूरा का पूरा
स्कैंडल या प्रोसेस या वो जो कर रहे थे वो सब सामने आ चुका है। उसके बाद एक पर्सन बोलता है, वो तो ठीक है सामने आ गया, लेकिन अब क्या, आपके बेटे की ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, आपके बेटे के बारे में आप क्या कहेंगे इस बात पे? मैडम यू मुस्कुराते हुए कहती है, देखिए जैसा मैंने बताया ये कुछ गिरे हुए लोगों की चाल थी, वो लोग इस तरीके से बहुत सारे ओमेगास और अल्फा को नुकसान पहुँचा चुके हैं, और मेरे बेटे जिसके साथ था वो उसका हस्बैंड था, उन लोगों की प्राइवेसी को एक तरीके से सबके सामने लाके उन लोगों ने बहुत गलत किया, और उनकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन मेरे बेटे ने कोई गलत नहीं किया, क्या एक हस्बैंड और हस्बैंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे? क्या एक अल्फा और ओमेगा जो एक दूसरे के मेड हैं, क्या वो एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे? अगर मेरा बच्चा भी अपने हस्बैंड को या अपने मेड को प्यार कर रहा था तो उसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। इस बात पे सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं पता था कि जियांग कॉर्पोरेशन के हायर का शादी हो चुकी है, सबको यही पता है कि यानली की शादी हो चुकी है, लेकिन विहुशान की शादी हो गई थी ये तो किसी को पता ही नहीं था। इस बात पे एक पर्सन कहता, आप ये झूठ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम इस बात पे सबके बीच में विंग और वांग जी को बुलाती हैं, अब बताती हैं कि ये दोनों शादीशुदा हैं। इतना ही नहीं मैडम यू, ये लोगों के उस वेडिंग जो पिक मैंने बताया था ना, कार्ड होता है आइडेंटिटी टाइप, उस वेडिंग कार्ड को भी सबके सामने शो कर देती है कि ये वेडिंग सर्टिफिकेट उनका, कि ये सर्टिफिकेट है कि इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है। इस चीज़ से वहाँ काफ़ी सारे लोगों को शौक लगता है, बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ आए थे वो आप थोड़ा सा सेटिस्फाई फील करते हैं कि ये कोई मतलब एक हस्बैंड गलत चीज़ तो हुई है भाई, पर जब पनिशमेंट पहुंच चुकी है और विंग और ये मैरिड है तो इसने इतना बड़ा इशू बना के वो क्यों उनकी कंपनी को डुबाएंगे या अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले? इसलिए जैसा मैडम यू सोच रही थी चीज़ें वैसी होने लगी हैं, पर मैडम यू मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो इस तरीके से सब कुछ कर चुकी हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं कि उनके हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेंगे। दूसरा, वो जो कर चुकी हैं वो तो ठीक है, लेकिन विंग तो अभी सिर्फ एक मतलब अभी तो 18 का कंप्लीट हुआ है ना, एक यंग बच्चा है, उसके साथ अब क्या होगा, उसकी इतनी कम उम्र में शादी होगी, उन्होंने यानली की भी शादी उसकी प्रॉपर एज में जब वो 24 के करीब हो गई थी तब करवाई थी। अच्छा, और उन्होंने अब विंग की इतनी कम उम्र में शादी करवाने से वो थोड़ा स्ट्रेस है। वहीं वांग जी की ये बात कि वो ना ही लोगों के पैसे लेगा, ना ही लोगों के साथ मतलब इस तरीके से तरह ऐसे वो नहीं करेगा, तो वो उस चीज़ से भी थोड़ा घबराई हुई है। जब ये लोग वापस वहाँ से जाने लगते हैं तो वांग जी एक टैक्सी को बुलाने लगता है, विंग भी थोड़ा शौक है उसकी मदर और वो मतलब वहाँ उनके साथ आए हुए जिनजुशान और जंचा भी शौक है। वीन वहाँ पे अपनी वी वांग जी को घूर घूर के देखने लगता है। वहीं वांग जी अब विंग का हाथ पकड़ के उस टैक्सी में बैठने लगता है। इस बात पे अचानक से मैडम यू आगे आके उन्हें रोक लेती है, नहीं आप लोग यहाँ से ऐसे मत जाइए अभी, अब मुझे लगता है हमें पहले अपने मतलब एक तरह से जंग मेंशन जाना चाहिए। इस बात पे वांग जी बोलते हैं, बट ऑलरेडी पूरा दिन हो गया है और मुझे लगता है कि अगर हम अब नहीं निकले तो हम सही टाइम पे गुसू नहीं पहुंच पाएंगे, काफ़ी दूर है गुसू यहाँ से, और मैं नहीं चाहता कि मैं पहले दिन ही अपने हस्बैंड को मतलब एक तरीके से लेट वहाँ पे लेके जाऊँ। मेरी कोई फैमिली तो नहीं है, पर हाँ मेरे नेबर्स हैं जो काफ़ी खुश हैं ये बात सुन के कि मेरी शादी हो गई है, मैं विंग उन सबसे मिलवाना चाहता हूँ। इस बात पे मैडम यू मुस्कुराते बोलती है, जैसे तुम्हारी फैमिली नेबर एक्साइटेड है वैसे ही मेरे हस्बैंड भी, एक तुम से बिना मिले अगर तुम चले गए तो उन्हें बुरा लगेगा, प्लीज़ जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे तब तक प्लीज़ तुम इस मेंशन में रुक जाओ। इस बात पे वांग जी मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन भी वांग जी का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ इतनी जल्दी हमारी शादी हो गई वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, प्लीज़ मैं इतनी जल्दी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता, क्या कल तक कब टाइम दे सकते हो तुम मुझे, मुझे कुछ चीज़ें सेटल करनी है, उसके बाद हम लोग एक साथ तुम्हारे घर जाएंगे। विंग की इस रिक्वेस्टेड टोन को हमारे डेविल कैसे मना कर सकते हैं, वो तो अभी इसी वक्त विंग को अपने साथ ले जाके कुछ हॉट टाइम स्पेंड करना चाहते थे। विंग को इस टैक्सीडो में देखे तब से अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल में रखा हुआ है उन्होंने, कैसे करके वो अपने आप पे इतने टाइम से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अचानक से अब विंग उनके साथ मतलब उन्हें से रिक्वेस्ट कर रहा है तो ना चाहते हुए भी वो मना नहीं कर पाता। डेविल यानी हमारे लांग वांग जी अग्री हो जाते हैं, विंग जी और वो लोग जियांग मेंशन पहुँचते हैं, सिचेंग भी उन लोगों के साथ ही पहुँचते हैं। अब मैडम यू वांग जी के पास बैठती है और बड़े प्यार से
जब सब लोग बैठे हैं तो उन सबके सामने बात करना शुरू करते हैं। पांगी मैं जानती हूँ तुम हम लोगों के पैसे या हम लोगों के पूजी मतलब एक तरीके से कुछ भी चीज़ हम तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन विंग अभी बहुत यंग है, उसकी कॉलेज टाइम अभी शुरू ही हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे गुसू ले जाओगे, वहाँ से यहाँ पे विंग का कॉलेज अप एंड डाउन करना आसान होगा। तुम तो खुद कह रहे हो कि तुम सही टाइम पे सोर्सेज नहीं मिले, पैसे नहीं दे, तो तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो तुम्हें तो पढ़ाई के इंपॉर्टेंस का पता होगा। तुम चाहते हो कि विंग भी तुम्हारी तरह पढ़ना पाए। मैडम यू बहुत स्मार्ट है, मैडम यू जानती है कि उन्हें किस तरीके से वांगी से बात करना है। वांगी एक सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट कैरी करने वाला पर्सन है। वो किसी भी तरह से अगर मैम उसे पैसे का लालच देंगी या फिर उसे हाई पोजीशन का लालच देंगी तो वो नहीं मानेगा, लेकिन हो सकता है विंग की पढ़ाई के कारण वो मांगे। मैडम यू एक छोटा सा अपना एफर्ट डालने की कोशिश करिए। इस बात पे विंग भी बड़ी बड़ी आंखों से वांगी को साइड में देखने लगता है। वांगी के मन में तो बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी मुट्ठी भी टाइट हो रही है। मैडम यू क्या करना चाह रही है? वांगी जी अच्छे से समझता है, वो डेवल है जो बेवकूफ थोड़ी, उसे पता है कि मैडम यू उसे विंग के सामने इस क्वेश्चन को पूछ के मजबूर करना चाहती हैं कि विंग उन मतलब इस सिटी से बाहर ना जा पाए। पर वो मुस्कुराते हुए मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो कॉलेज खुलने में कुछ टाइम है, तब तक मैं और विंग आपस में डिस्कस करके इस बारे में ज़रूर डिसीजन लेंगे। और वैसे भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि विंग अपनी पढ़ाई छोड़े, लेकिन पहले हम लोग एक दूसरे के से इस बारे में पर्सनली बात करेंगे, और शायद विंग मुझसे और कुछ भी बात करना चाहेगा तो मैं सुनूंगा। आप विंग की साइड से अगर मुझे इससे और कुछ बात करना चाहती हैं तो मैं वो भी सुनूंगा, लेकिन थोड़ा समय में मैं डिसीजन लूँगा। इस बात पे मैडम यू थोड़ा मुस्कुराती है, उन्हें लगता है शायद अभी नहीं पर कुछ टाइम बाद वो दोबारा से किसी ना किसी तरह से तो वांगी को यहीं पे बुला लेंगे। वहीं विंग भी वांगी के सेंसर पे पता नहीं क्यों मन में खुश पे हो रहा है, उसे लग रहा है यार सचमुच में मैं वो जो अपने हस्बैंड से कहेगा उसका हस्बैंड वो मानेगा, जो उसके ड्रीम है जो उसके सपने हैं जैसा वो लाइफस्टाइल कैरी करता है, क्या उसका हस्बैंड वो सब कर पाएगा? लेकिन वांगी कि वो अभी कुछ कह मतलब एक होता है ना, अभी तो बिल्कुल स्ट्रेंजर है दूसरे के लिए, तो बेचारा क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। वो लोग कुछ देर वहाँ बैठे रहते हैं, याली जिन निशान और लोग मतलब ये लोग भी नैलान शिचान और वांगी से बातें करते रहते हैं। वहीं वांगी तो एज यूजुअल बस हाँ मैडम यू के उस कॉन्सर्ट के देने के बाद ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करें, पर शिचान सबसे मुस्कुरा के बड़े प्यार से स्माइल कर करके बात करें। कोने में बैठा जंजा भी नॉन स्टॉप शिचैन को घूर रहे हैं, शिचैन भी महसूस कर रहे हैं कि कोई उन्हें घूर रहा है या छुप छुप के उन्हें ताक रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे उन्हें पे वो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं वांगी भी कभी यही हाल है, वो यहाँ शांति से तो बैठे हैं लेकिन उसे इस समय इन सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर वो अपने रियल अवतार में आ जाता तो विंग को घर में घुसते बैरियर स्टाइल में उठा के सीधा रूम तक ही पहुँचता, यहाँ बैठ के टाइम पास नहीं कर रहा होता, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ शांति से बैठा हुआ है। लेकिन उसके मन की इच्छा जैसे शायद कहीं ना कहीं सुचैन ने सुन ली, वो तुरंत बोलते हैं, आई थिंक आज का दिन हम सबके लिए बहुत टायरिंग था, क्यों ना हम सब अब अपने अपने कमरे में रेस्ट कर लें। मैम आई थिंक अब इससे ज़्यादा हम लोग कल सुबह बात कर लेंगे। इस बात पे यानली भी अग्री करते हुए बोलती है, ठीक है तो अब हम कल मॉर्निंग में बात करते हैं, चलिए आप सब लोग अपने अपने रेस्ट कर लेते हैं। ये लोग डिनर वहीं से करके आए थे सब लोग मतलब ऑफिस में इन्होंने कर लिया था, वहीं पे एक छोटा सा गेट जैसे कर रहा था, तो ये सब लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे। आप सब लोग उठ के अपने अपने रूम में जा रहे थे। दो लोग हैं जो बिल्कुल भी अपने रूम में जाना नहीं चाहते, जिनमें से एक तो जंजा है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी सब बात करनी बंद कर दे। मैडम यू थोड़ी देर पहले इनके पास से उठ के चली गई थी असिस्टेंट से बात करने, जैसे मैं क्या फ़ोन पे दोबारा अटैम्प्ट करने, बस ये यंगस्टर ही बैठे हुए थे। इसे जंजा को ऐसा लगता है कि क्यों शिचैन उठ के जा रहे हैं, वो थोड़ी देर और शिचैन को देखता और थोड़ी देर शिचैन की बातें सुनता, लेकिन अब शिचैन ने ही बोला है तो बेचारा भी बेमन से उठ के अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं विंग का भी यही हाल है, विंग को तो अचानक से पेट में दर्द होने लगा, उसको तो समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, क्या क्या क्या
आज इन लोगों की शादी हुई है तो क्या इनकी वेडिंग नाइट है? सॉरी वीडियो बीच में रोकने के लिए, अब तक आपको मेरी वीडियो में एक अजीब सी नॉइज आ रही है उसके लिए सॉरी। एक्चुअली ये वीडियो ऑलरेडी पूरी करप्ट हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मैं ये 13 मिनट का और डाटा निकाल पाई हूँ। मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे एक ऑफिस जाना होता है डेली, इसलिए मैं इस 13 मिनट की बैकग्राउंड जो आपको नॉइज आ रही है उसके लिए सॉरी। नाउ बैक टू द स्टोरी। शिचैन वहाँ से ये बोल के जा रहे थे, वहीं बेचारा भी अब शांति से बैठा हुआ है, उसके तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, उसे तो समझ नहीं आ रहा है वांग जी कहाँ जाएगा। क्या वांग जी आज जैसे सुबह से इस क्या कहते हैं गेस्ट रूम में रुका हुआ था, क्या अब भी वो गेस्ट रूम में जाके रुकेगा या वो उसके साथ उसके रूम में? वहीं के बेचारे मन की बहुत बुरी हालत है। ऐसा नहीं है, उसने और वांग जी ने ये सब नहीं किया है, उसने और वांग जी ने ये किया है और उसे वो चीज़ याद भी है। हाँ वो ड्रग हीट के कारण ये सब करा था, लेकिन अब तो वो दोनों का हस्बैंड है और ऑफिशियली इन दोनों की ये फर्स्ट नाइट है तो विंग को तो ये सब करना पड़ेगा, वो यही सोच रहा था। वहीं उसकी सोच को यकीन में भी तय हो जाता है जब वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं चलो हमें भी रेस्ट कर लेना चाहिए। इस बात पे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहे हैं और फिर अपनी उसी शॉकिंग एक्सप्रेशन से वांग जी की तरफ देखने लगता है, फिर अपने सराउंडिंग में देखता है, सब लोग वहाँ से गायब हैं सिवाय इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों अकेले रह गए। वांग जी शिचैन के पीछे नहीं गया तो इसका था वांग जी और विंग एक ही रूम में रुकेंगे। वांग जी की तरफ देखते हुए विंग हाँ कह के वहाँ से उठता है और अपने धीरे धीरे कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विंग अब अपने रूम का डोर पे खड़ा हुआ है और मन में सोच रहा है क्या वांग जी को उसे अपने रूम में लाना चाहिए या फिर उसे बोल देना चाहिए कि वो शिचैन के रूम में जाए। विंग इसी सोच में वो थोड़ा घबराते हुए पर मन पे अब कंट्रोल करते हुए अपने रूम का डोर खोलता है, ये सोच के कि वो वहीं वांग जी से इस बार में अंदर बात कर लेगा। लेकिन जैसे ही विंग डोर के अंदर घुसता है उसके एक्सप्रेशन शॉक में और कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा रूप एक न्यू ब्राइडल जैसे होता है कपल्स के लिए रेडी होता है, पूरी तरह से रेडी। पूरे रूम में रेड रंग के फ्लावर्स हैं, सेंडेड कैंडल है, रूम के गेट से लेकर बेड तक एक फ्लावर का पेटल का पाथ बना हुआ है, बेड पे भी पूरे बेड पे फ्लावर पेटल्स बिछे हुए हैं। भगवान जी ये किसने किया है, वी मन में ये सोच रहा है और उस इंसान को कर्स कर रहा है, कौन है ये जिसने ये सब करा है। अभी मन में यही सोच रहा था कि तभी वो अपनी सोच से बाहर आता है जब धड़ाम करके उसके पीछे का गेट बंद होता है। वी पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी उसे पूरी इंटेंस नज़रों से घूर रहा है। वहीं वांग जी के इस एक्सप्रेशन को अपनी तरफ महसूस करते हुए उसे बड़ा अजीब सा बड़ा अपनी बॉडी में गर्मी सी महसूस हो रही, ये नज़रें ये इंटेंस नज़रें जो विंग को अंदर तक झांक रही हैं, जैसे इन नज़रों के अंदर कितना लस्ट है विंग को टच करने का, विंग को अपने पाने का लस्ट है विंग ये महसूस कर रहा था। विंग थोड़ा घबराते हुए एकदम से बोलने की कोशिश करता है वांग जी, पर इससे पहले विंग कुछ बोलता वांग जी दो कदमों से बिल्कुल उसके पास आ जाता है और अचानक से विंग के फेस पे अपनी फिंगर रख के बोलता है लंजा। अभी बड़ी बड़ी आंखों से झपका अपनी आंखें झपका झपका के वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं लंजा हूँ, तुम मुझे सिर्फ लंजा बोलोगे। इस बात पे भी अपना ही गर्दन क्योंकि मुंह से तो उसके कुछ निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके होठों को वांग जी की मत फिंगर ने जैसे ही टच किया तो उसके अंदर एक अजीब से करंट से दौड़ी, उसके अंदर तो अभी कुछ भी मुंह से खोल के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। वो विंग जो सबके सामने शेर बन के घूमता है वो इस वांग जी के सामने भी बिल्ली बन चुका है। बेचारा घबराते हुए अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाने लगता है अग्री करने के लिए कि हाँ वो लंजा ही बोलेगा। नहीं वांग जी विंग के इस प्यारे से इनोसेंट से फेस को देख के उसको अपना विंग बहुत प्यारा लग रहा है, उसका प्यारा सा बनी आज उसके पास है और जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसने अपने बनी को अपना बना लिया। वो बिल्कुल उसी तरीके से अपने बनी को अपने पास रखेगा जैसा वो सोचा करता था और आज भी वो अपने बनी को वैसे ही प्यार करेगा। वांग जी अब विंग की मतलब लिप से वो फिंगर धीरे धीरे से नीचे उसके चिर तक लाने लगता है जिससे विंग की बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है। उसी फिंगर से भी अब वांग जी विंग की चिन को थोड़ा ऊपर करता है और उसकी आंखों में इंटेंसली देखते हुए बिल्कुल उसके फेस के पास आके बोलता है वैसे अगर तुम मुझे हस्बैंड भी बोलोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारे मुँह से लंजा सुनना है, बोलो। अब वांग विंग घबराते हुए
थोड़ा सा नर्वस होते हुए लंजा बोलते हैं, मीन के मुंह से ये लंजा सुनना वांगजी की लाइफ का सबसे प्यारा मेलोडियस वर्ड है। आज तक उसने कभी भी अपने नाम को किसी के माँ से इतने प्यार से नहीं सुना था। वांगजी ने वीन के मुंह से अपना नाम सुन के जैसे एक सेकंड के लिए वांगजी के बॉडी में एक अजीब सी करंट उड़ा, वहीं वीन भी दोबारा से वांगजी का नाम लेता है क्योंकि वो इस नाम को महसूस करना चाहता है, दोबारा बोलना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है। वो यही सोच के दोबारा से लंजा बोलता है जिसे वांगजी अब विंग के बिल्कुल पास आ जाता है और अब उसके फेस को प्यार से पकड़ लेते हैं। अब बोलते हैं दोबारा बोलो। बेचारा विंग समझ नहीं पा रहा इस बंदे को क्या ऑब्सेशन है, बार बार लंजा लंजा क्यों बुलवाना चाह रहा है। पर विंग बेचारा घबराते हुए दोबारा से लंजा बोलता है और सोचता है कि अब वो बात शुरू करे। वो कहने वाला था कि वांगजी या सॉरी लंजा, तुम अभी के अभी अपने भाई के रूम में चले जाओ, अभी वो थोड़ा इस रिश्ते के लिए टाइम देना चाहता है। वो जानता है लीगली वो दोनों हस्बैंड और हस्बैंड बन गए लेकिन वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। वो वांगजी से ये बोलना चाहता था लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोलता, उससे पहले ही वांगजी के लिप्स उसके लिप को टच करते हैं जिसे वो पूरा का पूरा शॉक में चला जाता है। क्या सचमुच में वांगजी उसको पैशनेटली किस कर रहा है? ऐसा नहीं है, वांगजी के लिप्स उसने टेस्ट नहीं किए थे, उसने कह रहे थे लेकिन क्यों क्यों ये आज कुछ अलग लग रहा है। आज पूरे होश में होने के बावजूद भी उतनी ही क्यों कि वांगजी को अपनी बॉडी में हीट महसूस हो रही, क्यों इस पर्सन का टच, इस पर्सन की लिप्स उसको उतना ही ज़्यादा हंगर और लस्टफुल महसूस करवा रहे हैं। विंग शुरुआत में तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता लेकिन वांगजी की ये डोमिनेट केस जिसमें वो पूरी तरह से विंग को आप ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, उसकी वो टंग जो उसे बार बार फाइट कर रही है, अंदर उसके माउथ में एक्सेस मांग रही है, उस चीज़ को विंग आप कंट्रोल नहीं कर पाता। वो भी ना चाहते हुए भी वांगजी की किस को उसी तरह से रिस्पॉन्स करने लगता है। विंग के रिस्पॉन्स से तो वांगजी को बहुत खुशी मिलती है। अब वो विंग को अब जो फेस उसने पकड़ा हुआ था उसे छोड़ के अब उसकी वेस्ट मतलब उसकी कमर को पकड़ के उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेता है। अब दोनों की बॉडी में बिल्कुल गैप नहीं है, शायद हवा भी अब क्रॉस नहीं हो सकती। अब वांगजी विंग को अब पूरी तरह से पैशनेटली किस कर रहा है, उसकी टंग विंग के माउथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रही है। वहीं विंग भी अब आइज क्लोज करके अपने हाथों को अब वांगजी की नेक पर रैप करके उसी पैशन से इस किस को रिस्पॉन्स कर रहा है। विंग को तो महसूस ही हुआ इतनी पैशनेट किस, इतनी मतलब हंगरी लस्टफुल किस, उसे तो अपनी बॉडी में एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बचा ही नहीं। वांगजी की एक किस जैसे उसकी पूरी बॉडी को अपना बना चुकी हो। आज से पहले भी उसने कई बार सुना था कि जब आपका लवर, आपका हस्बैंड या आपका कोई अपना आपको किस करता है या स्पेशल पर्सन आपको किस करता है तो आप वो किस बहुत स्पेशल होती है। वांगजी की ये किस भी उसे उतनी ही स्पेशल लग रही है। हर चीज़ जो वांगजी उसकी बॉडी के साथ करता है विंग को वो स्पेशल महसूस करवाती है। क्या कारण है? क्या ये कारण वांगजी का विंग को ऑलरेडी मार्क करने का कारण है? वांगजी की ये स्मेल, वांगजी के परफॉर्मेंस जब विंग की बॉडी के पास आते हैं, विंग की बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या उसका कारण ये सिर्फ मार्क है या कि ये वांगजी की डोमिनेट करने वाले ये फेरोमोन्स है, क्या है वो नहीं जानता। लेकिन बस वो वांगजी की जैसे एक तरह से अपने पूरे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। वांगजी के टच से, वांगजी की हर चीज़ से जैसे उसकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करने लगती है। अभी भी उसे महसूस भी नहीं हुआ कि कब वांगजी उसे इसी तरह से ब्राइडल स्टाइल में उठा के किस करते हुए बेड तक ले आया। वो तो बिल्कुल भी अब इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाया। उसे तो तब महसूस हुआ जब किसी के ठंडे हाथ उसकी शर्ट के अंदर मूव हुए, जब किसी के हाथों ने उसकी बॉडी पे एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो ठंडे हाथ उसकी हॉट बॉडी पे, ऐसा लग रहा था जैसे विंग की पूरी बॉडी को कोई के ऊपर करंट दौड़ रहा हो। विंग अब थोड़े से आंखें खोल के वांगजी की तरफ देखता है। सच कहूँ तो वो कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल जाए उसे, क्योंकि वांगजी तो उसकी लिप्स को जैसे बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। विंग अब थोड़ा सा कोशिश करता है कि वांगजी इससे वो अपने मतलब तो अलग हो। वांगजी भी शायद विंग को ब्रेथ देने का सांस लेना चाहता है या अब विंग की लिप्स के कहीं और मूव करना चाहता है। वो तुरंत विंग से थोड़ा दूर होता है। वहीं वांगजी अब धीरे से विंग की नेक के पास आने लगा। उसके किसेस जितने हॉट हैं, जितने पैशनेटली वो विंग की बॉडी पे उसके लिप्स घुमा रहा है, उतने ही ज़्यादा फास्ट उसके हाथ हैं जो इतनी तेज़ी से विंग की बॉडी से कपड़े रिमूव कर रहे हैं कि विंग को पता भी नहीं चला विंग के लिए तो। पर अब जब तक वो बिल्कुल अपर बॉडी न्यूड बेड पे है, वांगजी उसके ऊपर अब पूरी तरह बिना मर्सी दिखाते हुए उसकी पूरी बॉडी पे अब अपनी मार्क बना रहे हैं, जैसे उसकी पूरी नेक को उसने पूरी तरह से बाइट कर लिया।
चारों तरफ विंकी नेक पे उसने किसेस, हिकेस और बाइट मार्क्स देने स्टार्ट कर दिए। वहीं वांग विंग के मुंह से जो वर्ड शायद वांग जी बार बार सुनना चाहता है उसके अलावा दूसरा शब्द निकल ही नहीं पा रहा है, बस लंजा लंजा ही कहता पा रहा है। वो रोकने की भी कोशिश जैसे करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है। वांग जी धीरे धीरे अब विंग की बॉडी से नीचे आते रहते उसके निपल्स तक आ जाते हैं जिन्हें वो जोर जोर से बाइट्स और सक कर रहा है। विंग के लिए ये सब कुछ इतना ज़्यादा पैशनेट है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो वांग जी के बालों में कब हाथ फिराने लगा, कब पूरी तरह से वांग जी जो उसके साथ कर रहा है उसे एक्सेस देने लगा, उसे पता ही नहीं चलता है। वो तो जैसे कि पूरी तरह से वांग जी की इन फेरोमोन्स में, इस प्यार में, इस जो वो वांग जी उसके साथ कर रहा है उसमें गुम हो चुका है, तो उसे समझ ही नहीं आता है कब वो और वांग जी अपना एवरीडे मींस एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। शायद तब उसे पता चलता है जब उसकी बॉडी में एक शार्प पेन होता है, क्योंकि वांग जी ने इस बार उसे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया बल्कि वो पूरी तरह से पैशनेटली उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इस बार का सेशन बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे वांग जी ने उसके साथ लास्ट टाइम किया था, ये तो एक बीस्ट वाला सेशन है, इतना रफ, इतना फास्ट, इतना डीप कि बेचारे विंग की तो चीखे ही निकले जा रही है। विंग के मुँह से लंजा लंजा स्टॉप स्टॉप बस यही निकले जा रहे हैं, पर वहीं वांग जी को तो जैसे विंग के मुँह से लंजा सुनना इतना अच्छा लग रहा है कि वो रुकना ही नहीं चाहता। वैसे भी वो बहुत दिन से ये सब करना चाहता था, बड़ी मुश्किल से तो कंट्रोल था। उस दिन भी उसने सिर्फ विंग को प्यार मतलब इतना फुल प्यार वाले टच से इसलिए किया था क्योंकि वो विंग को डराना नहीं चाहता था, विंग का फर्स्ट टाइम था ना, लेकिन अब तो नहीं है, अब तो विंग का के साथ वो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे वो करना चाहता है। वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है। वो तो इस समय भी विंग के दोनों पैर को अपने कंधे पर रख के एक विंग के साथ इंटीमेट भी हो रहा है और उसकी थाइस पे केसेस और बाइट मार्क भी दे रहा है, जिसे विंग के तो ऑलमोस्ट बॉडी से सिर्फ मोइनिंग और साउंड के अलावा कुछ नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि वो विंग को हर्ट कर रहा है, विंग को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक तरह से कहना एक्साइटेड फील करवा रही है, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ थोड़ा सा प्रोसेस करना मुश्किल है। विंग की बॉडी अब शायद इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है एज अ ओमेगा, उस अल्फा को एक्सेप्ट कर रही है जिसने उसे मार्क किया है, लेकिन विंग का माइंड कुछ समझ नहीं पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है क्या रीज़न है कि वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसे अपना ओमेगा होने पे आज तक कभी इतना कमज़ोर महसूस नहीं हुआ जितना कमज़ोर वो वांगजी के नीचे, वांगजी की बॉडी के नीचे महसूस कर रहा है। वहीं विंग के लिए की ये हालत वांगजी के लिए तो जैसे उसका ड्रीम कम ट्रू वाला हाल है। विंग उसके अंडर उसकी मर्जी में है, जैसा वो करना चाह रहा है वैसा वो उसके साथ कर रहा है, अभी सिवाय मॉर्निंग के और कुछ नहीं कर पा रहा है। यही तो ड्रीम वांगजी देखता था, अब वो ऐसे ही वांगजी विंग के साथ अपना एवरीडे मींस एवरीडे कंटिन्यू रखता है। कब वन राउंड से दो राउंड से तीन राउंड से फोर फाइव सिक्स सेवन एट नॉन स्टॉप। शायद मॉर्निंग की जब सन अंदर आते हैं तब वांग जी थोड़ा सा टाइटनेस फील करते हैं, नहीं विंग बीच में कई बार बेहोश हुआ फिर होश में आया फिर बेहोश हुआ फिर होश में आया। विंग की बॉडी तो बहुत टाइम पहले ही जैसे गिव अप कर चुकी थी, वो तो समझ चुकी थी कि उसका ये बेस्ट हस्बैंड रुकने वाला तो है नहीं, वो बेचारा तो बाद में कुछ करना रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। और अब वो वांग जी के जब देखता है कि विंग अब लास्ट में ऑलमोस्ट तब एक तरह से गहरी नींद में है तो वो कहीं जाके अब सेटिस्फाई फील करता है। वो अभी भी विंग से अलग नहीं हुआ, बस उसे पीछे से हग करके ऐसे ही सो गया है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।